वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज हम लोग दोस्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्ती मतलब जैसे कि बच्चे स्कूल में दोस्ती करते हैं, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो दोस्ती नहीं जो कि हम जॉब के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के, मतलब कॉलेज और जो ग्रेजुएशन की बात की दोस्ती, उसकी बात आज नहीं करें। हम बात करें बच्चे किस तरह की दोस्ती करते हैं। तो शिवम, आपके जो फ्रेंड है, आप उनका पहले नाम बताओ कि कौन कौन से आपके फ्रेंड है, नाम उनका। प्रियांश, आदित्य, हर्षित, चिराग। ठीक है, तो आपके चार फ्रेंड्स हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आदित्य। आदित्य आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्यों? ऐसी कौन सी क्वालिटी उसकी अच्छी लगती है जो आप कहते हो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है? मतलब कैसे वो प्रियांश की तरह रही है। प्रियांश में क्या कमी है? प्रियांश मतलब कैसे, मतलब दोस्त है मैं उसका। तो मतलब कैसे, जब कैसे दोस्त कुछ मांगता है दोस्त से, तो मतलब वो देता है। बहुत होते हैं फ्रेंड वो देते हैं, लेकिन उसमें ये क्वालिटी नहीं है। किस में? प्रियांश में। और आदित्य में? आदित्य में है। मतलब शेयरिंग की क्वालिटी आदित्य में है। हाँ। इसलिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, तुम्हें बाकी जो फ्रेंड्स हैं, चारों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। चारों बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक क्वालिटी अच्छी लगती है इसलिए बेस्ट फ्रेंड उसे कहते हो। शेयरिंग में क्या शेयर, खाना शेयर करते हैं या फिर कोई सामान, स्टेशनरी की चीजें? मतलब नहीं, मतलब कैसे कोई लंच में आलू पराठा रहा है, आलू पराठा सॉस, तो मतलब उसको मतलब आदित्य या प्रियांश या मुझे दे देते हैं। ठीक है, दोनों को नहीं बुलाता है एक पराठा सिर्फ एक। कौन? आदित्य। और तुम्हें देता नहीं है? नहीं देता, तो दोनों को है, शेयर करते हैं। हाँ। लेकिन कम रहता है ना एक। देखिए बच्चों में होता क्या है कि उनको उनके मतलब की चीजें अगर मिलती हैं तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, अगर उसे वो चीजें नहीं मिलती हैं तो उसका फ्रेंड नहीं है। अब जो बच्चे ज्यादा लाते हैं लंच या शेयरिंग की चीजें, वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेयर करते हैं और शेयरिंग कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बनाती है। तो शेयरिंग के अलावा जो आपकी क्लास में टॉपर कौन है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने में है? वो टॉपर लेकिन अच्छा बच्चा नहीं है। टॉपर है लेकिन अच्छा बच्चा नहीं है, क्यों? मतलब कैसे वो शौर्य है, वो उसको कराटे आते हैं। कराटे आता है फिर? हाँ। तो अच्छी बात है, उसे सेल्फ प्रोटेक्शन की चीजें आती हैं। हाँ। तो मतलब उसको कोई मतलब ऐसे लग जाए तो मतलब पहले फाइट करता है। हाँ, फाइट। तो तब तक मतलब कैसे सॉरी बोलने तब तक एक खुशा पड़ ही जाता है। नहीं तो बैड हैबिट है ना, अगर फाइट आप किसी से करते हो अपनी जो प्रोटेक्शन की स्किल है उसका मिस यूज कर रहे हो फिर तो आप ना, ये बैड हैबिट है, ये अच्छी चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बाकी हैबिट्स सपोर्ट करेंगे उसकी स्टडी के लिए और फर्दर वो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा बनेगा। हमें उसकी स्टडी, जो पर्सनल हैबिट्स होती है, पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं और किस तरह के थॉट्स हैं उसके, वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आगे चल के वो फाइट बहुत कर रहा है, तो हमें नहीं पता कौन सी चीज़ें कब उसे डिस्टर्ब कर जाए, वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, कोई लड़की फ्रेंड नहीं है ना? क्यों? मुझे लड़की पसंद नहीं है। ऐसा क्या है? मतलब कैसे देख, मतलब वो समझिए बैग है। हाँ। तो मतलब उसमें झाग भी लोगे, उनको लगेगा पक्का चोरी करेंगे अंदर से कुछ। गर्ल्स, अच्छा मतलब गर्ल्स एक ओवर प्रोटेक्टेड रहती हैं कि क्या मेरा सामान ले लिया, स्टेशनरी का सामान। हाँ। क्या है, मेरा पेंसिल ले लिया ना। हाँ। कभी हुआ है आपके साथ? मैं मतलब देख उसके बाद ले जाने तक नहीं देती, उसके अच्छा। आगे पीछे नहीं एकदम। तो किसी के बैग में अगर आप देखोगे तो गलत बात है ना, बिना उसकी परमिशन के। मतलब कैसे उसके दोस्त नहीं है तो वो जब देखेंगे, मतलब वैसे पेंसिल ढूंढे उसके बैग को हाथ तक लगा दिए ना, उसको मतलब इतनी तेज जलन होने लगती है, पूछो मत। इसलिए कोई भी फ्रेंड नहीं बनी लड़की। तो ऐसा तो है नहीं कि क्लास में और भी होंगे जो कि बच्चे आपस में मिलके रहते होंगे, गर्ल्स बॉयज? कुछ फ्रेंड है मेरे लड़कियों में। अच्छा, लड़की में फ्रेंड नहीं बनाते, बट ये क्वालिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा सबसे फ्रेंडशिप करके रखो, किसी की बैड हैबिट है तो उसे बोल दो ये चीजें गलत है, कोई सामान तो आपका ले नहीं रहा है ना, तो चीजें शेयर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और किस तरह के फ्रेंड्स आपको पसंद नहीं है, मतलब जो क्लासमेट्स हैं आपके, किस तरह के अच्छे नहीं लगते आपको, कि वो बैड हैबिट है? मुझे फ्रेंड तो अच्छे चाहिए, टॉपर ये सब। अच्छा, मतलब कैसे जब कोई फ्रेंड नहीं बढ़ता तो किसी और को मतलब कहते तो वो दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनाते कैसे हो, मतलब किसको दोस्त कह देते हो, कब दोस्त कहते हो? मतलब कैसे आपने आज लंच चलाया ठीक, कुछ अच्छा मैक्रोनी, मैक्रोनी लाए, पास्ता लाए हैं। हाँ, तो मतलब तब तक दोस्त बन जाते, और कैसी लंच खत्म, कट्टी कट्टी। मतलब कि दोस्ती लंच पे होती है, अगर लंच हाँ। अच्छा है तो दोस्ती हो गई, और लंच अच्छा नहीं है तो कट्टी कट्टी हो गई। वो
बड़ी अच्छी दोस्ती है फिर तो। दोस्ती का देखो, दोस्ती का मतलब होता है कि आप दूसरों की हैबिट को देखो, जहां गलती हो वहां उसको टोको, वहां उसको करेक्ट करो कि ये चीजें ऐसे नहीं होती, ऐसे होती हैं। जैसे मान लो कि आदित्य तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, अब आदित्य ने क्या किया, किसी और के बैग में शार्पनर था निकाल लिया, पेंसिल थी निकाल ली, तो बेस्ट फ्रेंड का क्या होता है, जो ड्यूटी होती कह सकते हो या कर्तव्य होता है या एक फ्रेंडशिप निभाने का तरीका होता है, उसको तुम्हें बोलना चाहिए कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ। ये एक फ्रेंडशिप का तरीका होता है, इसे कहते हैं फ्रेंडशिप, जब केयर करो फ्रेंड की, ना कि शेयर करो, केवल शेयर नहीं केयर करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, तो मतलब कैसे देखो, मतलब है तो चोमू गोलू एकदम प्यारे से, गोलू मोलू तुम्हारी तरह। हाँ। तो मतलब कैसे मैम की टेबल पे पेंसिल रखी है और कैसे कोई नहीं देख रहा, तुरंत जैसे लेके तुरंत जेब में। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें एक कह लो क्यूरियोसिटी होती है या एक ट्रेड होता है, पैटर्न होता है कि उनको जब कोई अच्छी चीज दिखती है तो उनको लगता है ये मेरी होनी चाहिए, होता है ना, तुम्हारा भी मन करता है ना कोई अच्छी चीज हो कि मेरी होनी चाहिए। अब उनको ये तो होता कि मेरी होनी चाहिए, बट ये नहीं पता होता कैसे मेरी होनी चाहिए, ठीक। तो अगर उनको ऑप्शन मिलता है कि हाँ ये सामान है तो उसको रख लेते हैं, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते उसने चुरा लिया, उसको समझाने के लिए हम बोलते हैं उसने चुरा लिया, बट बच्चे कभी चोरी नहीं करते तब तक नर्सरी केजी, जब समझ आ जाएगी आपको कि हाँ ये चीजें किसी और की अगर हैं तो आपकी नहीं है, वो आप पूछ सकते हो, उसे बोरो कर सकते हो, उसे मांग सकते हो, बट उसे उठा के आप अपने बैग में जेब में नहीं रख सकते। तो ये चीजें उनके पेरेंट्स से टीचर समझाते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है, तो कोई बैड नहीं है, अभी के टाइम पे वो धीरे धीरे समझ जाएगा। मतलब कैसे एक लक्ष्य वो भी टॉप करता है, उसके मतलब कीचेन होती है ना जो बैग में लगाते हैं स्टार वाला कीचेन, मतलब उसको प्रयास जब छुट्टी के टाइम लगता है वो लक्ष्य अपना बैग, तो मतलब वो खेलने से जाता है और मतलब प्रियांश को दिखी, ठीक है, तो उसको जब निकालना आता होगा तो अपनी टीम को बुलाता है, पूरी चीजें एकदम गायब हो जाती है, मतलब अपने टीम फ्रेंड्स को बुलाता है, एक समाज का निकाल लेता है। हाँ। बहुत गंदी बात, ऐसे नहीं करते, नहीं तो तुम्हें समझाना चाहिए ना कि बैड हैबिट्स ऐसे नहीं करते, समझाया कभी आपने, कभी किया पहले मुझे बताओ, कभी किया कि जाके अपनी टीम को लेके कहीं पहुंच गए इस तरह से? बहुत, कौन कौन है टीम में? प्रियांश, आदित्य, वो हर्षित, चिराग, आदर्श, आदर्श नहीं है, आदर्श था अब नहीं है, क्यों? मैं हूँ, आदर्श अब क्यों नहीं है? आदर्श ना अच्छा नहीं है, क्यों? पढ़ने में, तो पढ़ने में अच्छा नहीं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो अच्छा पर्सन नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब प्रियांश अच्छे दोस्तों बनाता है, अच्छे। तुम कैसे मतलब बच्चों को फ्रेंड बनाना चाहते हो? मैं अच्छे फ्रेंड बनाना चाहता हूँ जो चोरी ना करे, टॉप करे सब, मतलब स्टडी में अच्छा हो, कोई बैड हैबिट ना हो। अच्छा अगर तुम्हारे दोस्त में कोई बैड हैबिट हो गई तो कैसे सही करोगे उसको, छोड़ दोगे फ्रेंड को? नहीं तो किसको फ्रेंड बनाऊंगा फिर, तो सही कैसे करोगे? वही तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है, मतलब उसको नहीं, कैसे ये है माइक तो ये इसको चुराना है और मैंने कह दिया नहीं ये गंदी बात, तो मैं कट्टी हो जाऊंगा नहीं चुराए तो। अच्छा। हाँ। मतलब साथ में चाहे अच्छा काम करे बुरा काम साथ में करना है? हाँ। नहीं ये इस तरह से फ्रेंडशिप नहीं होती बेटा, अगर कोई गलत काम करता है तो उसका साथ देना जरूरी नहीं है, अगर फ्रेंडशिप वो कहता है खत्म कर दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे समझाओ, अगर समझता है तो ठीक, नहीं तो ठीक है फिर, क्योंकि जब गलत काम फ्रेंड के साथ करोगे तो तुम्हारा फ्रेंड थोड़ी है, कोई अच्छा फ्रेंड तुम्हें कभी कोई गलत चीज सिखाएगा? नहीं सिखाएगा ना, किसी बात को एक तरफ लेके मत सोचो, अगर तुम्हारे फ्रेंड को या उसने बोला कि नहीं वो जो तुम्हारा दोस्त था उसने ना ऐसे ऐसे बात बोली, तो तुम क्या करोगे, जाके उसको बोलोगे या फाइट करोगे? तो मतलब हर्षित, पहले बताओ उसे जाके फाइट करोगे? नहीं नहीं करोगे, क्यों? देखो कोई भी अगर कोई तुम्हें बोलता है कुछ आगे कि उसने ऐसा उसने आके ऐसा बोला तो उसकी बात पे तुरंत बिलीव मत करो, उससे जाके पूछो कि क्या तुमने ऐसे बोला था, अगर वो हाँ कहता है कुछ कहता है तब उसके बाद रिएक्ट करो, उससे पहले कोई भी जरूरत नहीं रिएक्ट करने की, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं या तुम्हारे फ्रेंड आएंगे ऐसे, चलो उसको बोल देंगे भड़क जाएगा, जाके उससे फाइट करने लगेगा, तो इसलिए नहीं करते। हाँ पूछो। तो मतलब हर्षित, मतलब हर्षित, आदित्य, प्रियांश, आदर्श और मैं, मतलब एक, मतलब एक क्लास है, मतलब थिंकर्स, ठीक है, एक दूसरा सेक्शन है ना, उससे जब 2+2 पूछोगे बोलेगा 8 है, 2+2 8, क्यों उसको आती नहीं? आज मतलब मैथ का एग्जाम था, मतलब पहले उसने बोला 5+9 आता है, 5+9। देखो ये तो एक तरह से कह लो कि अभी लर्निंग हो रही है ना, तो एक कमी नहीं है लर्निंग, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर है ठीक या विराट कोहली है ना,
अब विराट कोहली में और जो यहाँ पर एक अंकल शॉप खोले हैं, दोनों कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं? विराट कोहली अच्छा है। विराट कोहली अच्छा है, जो अंकल शॉप खोले हैं वो बुरे हैं ना? हाँ। बुरे हैं कि फिर अच्छे नहीं है? बस अच्छे नहीं है। हाँ, यह इसका रीजन पता है क्या है? विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा है इसलिए वो मतलब क्रिकेट खेलता है। सुनो, क्रिकेट में अच्छा है इसलिए क्रिकेट खेलता है। अंकल जो शॉप वाले हैं वो शॉप चलाते हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है इसलिए तुम्हें लगता है विराट कोहली बहुत बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड कप जीते हैं, पूरे इंडिया को जिताते हैं। हाँ, तो तुमने क्या देखा? उसकी सक्सेस देखी। सक्सेस के बेस पे तुमने क्या किया? दोनों में अच्छे और बुरे की पहचान करी। अब अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक, वो बच्चा क्रिकेट या बॉक्सिंग या एथलीट में अच्छा है, तो इसका क्या मतलब? वो अच्छा ही नहीं है। अभी तुम देख रहे हो कि पढ़ने में नहीं अच्छा, लेकिन क्या पता वो आगे चल के विराट कोहली सचिन तेंदुलकर बन जाए फिर। तो इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसको जानो समझो पहले। जो पढ़ने में अच्छा नहीं तो क्या पता किसी और चीज में अच्छा हो, है कि नहीं? हाँ। ऐसा है कि नहीं है। हाँ, जैसे होता है ना बच्चों में हैबिट होती है क्रिटिसाइज करना, तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो? मतलब क्रिटिसाइज मतलब कि किसी की कमी निकालना, किसी की कमी निकालना करते हो ना, बैड हैबिट है ना? क्या वो ऐसे किसी की भी कभी भी किसी कमी को लेके अगर तुम बोलोगे तो वो एक बहुत बैड हैबिट है, ठीक है? हाँ। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जल नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ। क्रिटिसाइज मतलब किसी की बुराई मत करो, सबसे बैड हैबिट है ये। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं इस एपिसोड। तो हमेशा अपने बच्चे को ऑब्जर्वेशन आप करो कि किस तरह के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप है, किस तरह के बच्चों के साथ किस तरह की वो बातें करता है, लैंग्वेज उसकी कैसी है, क्योंकि लैंग्वेज भी एक तरह से आप कह सकते हो एक सिग्नल होता है कि आपके बच्चे किस तरह के फ्रेंड्स बना रहे हैं, किस तरह की वीडियोज देखी जा रही है, वो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी लैंग्वेज से। चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।